Hello friends, welcome to my channel Monica's Fruitful Care. I hope you all are doing well. अगर आप लोग अपने स्प्लिट एंड से परेशान हैं बालों के, अगर आपके बाल बेजान हैं, आपके बाल रूखे हैं, बहुत फ्रीजी हैं, साथ के साथ इनमें चमक कम है, शाइन कम है, वॉल्यूम कम है, तो आज की जो रेमेडी है आप यूज़ कीजिए और अपने बालों को बेहतर से बेहतर बनाइए. ये जो रेमेडी है इसको 2 साल के बच्चे से लेके 80 ईयर तक के कोई भी बंदा लगा सकता है. सो एज यहाँ पे कहीं कोई मैटर नहीं रखती है, क्योंकि बहुत ही नेचुरल सी चीज़ों के साथ ये रेमेडी है. आपको बालों को पहले रेमेडी में बताने से पहले जो जो चीज़ें आपको प्रिकॉशन लेना है उसके लिए मैं बता दूँ कि अगर आप धूप में बाहर जाते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने बालों को अच्छे से बांध के और उसके ऊपर दुपट्टा कॉटन का या कोई भी स्कार्फ वगैरह लेके जाइए, क्योंकि इस समय अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं समर्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो जब डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में बाल आते हैं तो तब भी वो डैमेज होते हैं. सेकंड, आपको बालों को ऑयलिंग ज़रूर करनी है वीक में एक बार. ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे समर्स हैं चाहे वो विंटर्स हैं. आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है स्कैल्प का वो इम्प्रूव होता है, तो जब वो इम्प्रूव होगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो भी बाल आएंगे वो अच्छे होंगे. कुछ एक योगा एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए, आपको स्ट्रेस से फ्री रहना चाहिए, आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए, आपको प्रोटीन अपनी जो खाने में वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, विटामिन ई को यूज़ करना चाहिए, वो स्किन और बालों दोनों के लिए बहुत अच्छा है. जो भी विटामिन ई से रिच फूड हैं उनको ज़रूर आप लीजिए, आप उसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं. इसके अलावा आपको बालों को ऑयलिंग करना है. ऑयलिंग करने के लिए आपको मस्टर्ड ऑयल को यूज़ करना है. मस्टर्ड ऑयल बहुत ही अच्छा है ये बालों को, क्योंकि ये काफ़ी थिक होता है तो बालों की जो ड्राइनेस होती है इससे पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है. आपको ऑयलिंग करते हुए बहुत सिंपल सी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से आपके बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स ले के बालों के, इस तरह से आप छोटे छोटे से पार्ट लीजिए, पूरे अपने स्कैल्प पे जो है ऑयलिंग कीजिए अच्छे से करते हुए, और कॉटन लीजिए और कॉटन की हेल्प से अगर आप खुद से कर रहे हैं तो यहाँ तक इस तरह से कॉटन को ऑयल में डिप करते हुए एंड तक आप बालों पे लगाइए. तो इतने छोटे छोटे पार्टीशन करके ही आप पूरी ऑयलिंग कीजिए, और लास्ट में आप जो ड्राई, क्योंकि बाल जो होते हैं तो इनको भी आप जो है ऑयल से अच्छे से मसाज कीजिए. तो हाथों में, हथेली में इस तरह से अपने एंड्स को, बालों के एंड्स को पकड़ लीजिए और इस पर अच्छे से ऑयलिंग करके इसको अच्छे से मसाज कीजिए, और फिर इसका सब बांध लीजिए, और फिर 30 मिनट के बाद आपको शैम्पू करना है. तो ये आप बच्चों के ऊपर भी कीजिए, बड़ों के ऊपर, जो भी जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो बिंदास इसको कीजिए. ये बहुत अच्छा मास्क है, बालों को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि दही में भी मॉइस्चर अच्छा होता है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है तो जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, और साथ में हनी जो कि खुद ही मॉइस्चर से और एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, तो ये बालों के लिए बहुत ही बढ़िया है. ये बालों के अंदर जो है मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है, तो जिससे बालों में ड्राइनेस जो भी होती है वो ख़त्म हो जाती है. तो आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स कीजिए. तो बालों, अब क्योंकि मैंने मीडियम लेंथ के हिसाब से दही लिया था, आपको जो दही है अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ही लेना है. हनी भूसी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर दीजिए, और थोड़ा कम ज़्यादा हो भी जाता है तो, क्योंकि दोनों ही नेचुरल चीज़ें हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता. तो आपको ये वीक में 2 बार करना है, एक बार आपको ऑयलिंग करनी है, और वो आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं बता दूँ, मंडे को जैसे आपने, सपोज कीजिए संडे को आपने शैम्पू किया ऑयलिंग करने के बाद, तो आप ट्यूसडे या मंडे को आप इस मास्क को लगा सकते हैं. इस मास्क को लगाते हुए 30 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ा और देन उसके बाद आपने शैम्पू कर लिया, और इसके बाद आप 2 दिन बाद फिर से इस मास्क को लगाइए, और फिर से वही 30 मिनट के लिए मिनिमम आप 30 मिनट छोड़िए, मैक्सिमम आप इसको 1 आवर के लिए भी छोड़ सकते हैं. तो 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप लगा सकते हैं. तो बस इसको लगाइए और उसके बाद अपने बालों को छोड़ दीजिए 30 मिनट के लिए, और देन आप शैम्पू कर लीजिए. आप बालों पे कोई ड्रायर मत यूज़ कीजिए, कोई केमिकल कोशिश कीजिए मत यूज़ कीजिए. जो डैमेज हुआ है उस डैमेज की भरपाई होती जाए साथ के साथ. तो अगर आपने केमिकल यूज़ किया है तो आप केमिकल के साथ ये लगाइए कि अगर 20% आपने कोई केमिकल यूज़ किया है तो 80% आपको इसको नेचुरल चीज़ों से आपको इसको डाइट देनी है, ताकि जो आपने डैमेज किया है वो ये 80% चीज़ें जो हैं वो इसको ख़त्म कर दे. तो वो 80% क्या है, वो हेयर मास्क हैं, वो ऑयलिंग है, बस. इसके अलावा आप
अपनी डाइट को अच्छा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मास्क कैसे लगाना है। तो आइए मास्क के लिए तैयारी करते हैं। यहाँ पे एक बोल के करीब मैंने घर का जमा हुआ ही दही लिया है। इसके अंदर 2 स्पून के करीब मैं हनी ऐड कर रही हूँ। दही और हनी जो है वो अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप लीजिएगा। लेंथ साथ के साथ बालों का वॉल्यूम कितना है। कईयों के बाल पतले होते हैं तो कम दही लगेगा, और जिनके बाल हैवी होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो इसको आप अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आपके बाल एक्सट्रीम ड्राई हैं तो आप इसके अंदर 3 से 4 कैप्सूल्स जो हैं वो विटामिन ई के भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने अपने बच्चों को हमेशा से ये सब चीज़ें लगाई हैं और उनके बाल बहुत ही बढ़िया हैं। तो नेचुरल चीज़ों के साथ ही बच्चों के बालों की भी केयर कीजिए और उनकी स्किन की भी केयर कीजिए। तो इस तरह से जैसे हम ऑयलिंग करते हैं, इस तरह से आप दही को लगाते जाइए। आप वॉश बेसिन के पास खड़े होकर ये काम कीजिए। तो बस इस तरह से सारे हिस्से में आप दही को अप्लाई करते जाइए। आपको इसको पूरे स्कैल्प पे लगाना है, अच्छे से कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया रहता है क्योंकि ये समय समर्स हैं तो दही ठंडा भी रहता है और बच्चे आराम से लगवा लेते हैं। जैसे आप उनको हैबिट्स बना देंगे वैसे ही हो जाता है। जो बड़े हैं वो भी इसको ज़रूर लगाएं। तो बस इस तरह से देखिए, सारे के सारे बालों को हमें अच्छे से लगाना है और खूब अच्छे से लगाइए, इतना कि कोई भी बाल छूटना नहीं चाहिए। अच्छे से मसाज करते जाइए साथ के साथ। बिल्कुल बालों को दही के अंदर आपको अच्छे से लपेट लेना है दही के साथ इसको। और उसके बाद आप ये देखिए, एंड तक भी जो है मैंने अच्छे से पकड़ के, यहाँ भी मैंने जैसे आपको मसाज के लिए बोला है ऑयलिंग के लिए, सेम वही प्रोसीजर से आप दही भी लगाएंगे। तो 1 घंटा रखने के बाद बाल देखिए क्या बढ़िया हो गए हैं इसके। मेरी बेटी के बाल इतने कर्ली थे और आज के टाइम में वेव्स भी कम हो गई हैं क्योंकि उसको थोड़ा स्ट्रेट बाल अच्छे लगते हैं। तो देखिए, लगाइए और मज़ा लीजिए इसका। तो आपने देखा कितना बढ़िया मास्क ये बन के तैयार हुआ और किस तरह से बालों पे लगाने के बाद बालों का जो है वो टेक्स्चर ही चेंज हो गया। बालों में अगर ड्राइनेस है, बालों में डैंड्रफ है इवन कि वो भी साफ़ हो जाता है। किसी तरह की भी इरिटेशन है बालों के अंदर, आपके स्कैल्प के अंदर, वो भी इससे ठीक हो जाती है। तो इस मास्क को लगाइए और अपने बालों को बेहतर बेहतर और बेहतर बनाइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।